प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इटावा में चुनाव प्रचार के दौरान एक मंच पर देखे शिवपाल सिंह यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव। नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी ज्योति गुप्ता के समर्थन में चुनावी सपा कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए दोनों दिग्गज बड़े नेता पहुंचे हुए थे। सपा सदर प्रत्याशी ज्योति गुप्ता के समर्थन में शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव पहुंचे। उन्होंने भरे मंच से भावुक हुए शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा एक गांव तो छोड़िए एक ईंट लगाने का काम भी उन्होंने नहीं किया है। 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास का कार्य नहीं किया। शिवपाल यादव ने कहा कि हम लोग आज भी सक्षम हैं और विकास करा सकते हैं। चुनाव चिन्ह नेताजी का तो है तो सब कुछ भूल कर समाजवादी पार्टी को चुने। जब जब समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष रहा तो विकास हुआ। 6 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ परेशानियाँ ही यहाँ देखने को मिली हैं। इटावा से खबर हरपल के लिए अभिनंदन जैन की खबर। अपनी पत्नियों को चेयरमैन बना देते हैं और उन्हें काम नहीं करने देते, खुद काम करने लगते हैं। जो हालांकि सचमुच बहुत काम करने वाले हैं, सरकार भी वो भी आगे रख के काम करने की कोशिश करना जिससे इन्हें और अनुभव मिल सके। ये उनका दादा केपी सिंह चौहान साहब, सतीश चौबे जी, एडवोकेट आदित्य यादव जी, आशीष राजपूत जी, आलोक दीक्षित जी, अनवार पहलवान साहब अभी दिखे थे, बड़ा मेरे महबूब नेता है, प्रेमदास कटेरिया जी, अजन सिंह यादव, जीजा जी, समी कुरैशी साहब, उत्तम श्रीमती ज्योति गुप्ता जी तथा हमारे सभी नेतागण, हमारे सामने इधर बैठी हुई बहनें और भाइयों और पत्रकार बंधुओं शांति से ही रहना, पीछे वाले को दिख नहीं रहा है कोई, मैं उम्मीदवार, हमें तो कोई बात नहीं, मेरे उम्मीदवार को तो देखने का मौका तो जरा सा बीच में एक क्षण कर मैं जानता हूँ कि कहीं कहीं और इसलिए भी अपील करते हैं, इटावा नगर परिषद का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव जीतना भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं